शुरू करेंगे हम. समय हिंदी है और आपको वक्त लिखना चाहिए.
जबकि समय भी उर्दू के जो राइटर्स हैं उन्होंने उर्दू में इस्तेमाल किया तो उर्दू का लफ्ज भी, लेकिन वो मतलब लोकल चीज को हमेशा कम समझा जाता है इम्पोर्टेड चीज से, जो जिसका मतलब है पर्शियनाइजेशन की जो एक मूवमेंट है वो चलती है 18th सेंचुरी से, जिसमें अब अगर हमारे पास कोई ऑप्शन हो तो हम लोकल लफ्ज को निकाल लेते हैं और पर्शियन लफ्ज को उसकी जगह ले आते हैं। तो ये एक सिलसिला मुस्तकिल चल रहा है। अब उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि पाकिस्तान में जो उर्दू जिन लोगों की मदर टंग है वो इस पर 7% है इस वक्त, जो यानी ईस्ट बंगाल के अलग होने के बाद, तो उसको किसी भी तरह से इम्पोज करना मुमकिन नहीं है डेमोक्रेटिकली, सिवाय इसके कि आप बाकी सारी जुबानों को किसी न किसी तरह से इससे कमतर समझें और वो कहें कि जो इस्लामिक या मुस्लिम एक्सप्रेशन के लिए वो जुबानें जो हैं वो मुनासिब नहीं है। ये एक पूरी एक जो मूवमेंट है वो चल रही है। तो उसमें एजाज अहमद ने अपना एक जो एक लेक्चर दिया था जो बाद में उनकी किताब में शामिल हुआ इन द मिरर ऑफ उर्दू, उसमें उन्होंने बताया कि जो एक उर्दू की एक बड़ी डिक्शनरी बनाई गई थी फरंगे आसफिया, वो 4 वॉल्यूम में छपी थी, उसमें हालांकि वो जो सैयद अहमद एलवी जिन्होंने वो बनाई थी वो खुद काफ़ी पर्शियन को प्रेफर करने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद उसमें जितनी एंट्रीज हैं उसमें 75% एंट्रीज वो हैं जो जिनकी रूट संस्कृत है और लोकल रूट से। तो उसके बाद ये इस तरह की कोई बात कहना कि ये उर्दू बेसिकली पर्शियन को प्रेफर करेगी, इसका मतलब ये है कि आप अपना जो आपका वजूद है उसके कम से कम 75% हिस्से को आप निगेट करेंगे। तो ये एक किसी एक खास किस्म की पॉलिटिक्स की वजह से है जो मेरा ख्याल है और जिस बेसिस पे मैं अभी आज इस पर बात करूँगा। तो वो पॉलिटिक्स जो है वो एक्चुअली शुरफा की पॉलिटिक्स है कि आप जब आप ये कहते हैं कि मुसलमान का एक्सप्रेशन है तो पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मुसलमान कौन है। तो ये सर सैयद से बात शुरू होती है कि जब उन्होंने ये जो 1857 की युद्धनी या जंग आज़ादी या बदर या जो भी कुछ था उसके बाद उन्होंने एक सीधी सी बात ये कही थी कि अगर इस सारे हंगामे में किसी कम्युनिटी ने अंग्रेजों का दिल से साथ दिया है तो वो मुसलमान है, और वो मुसलमान को उन्होंने वहीं पर डिफाइन किया कि वो मेरे वो भाई हैं जिनकी रगों में शरीफ खून है और जो सबके सब बाहर से हैं, जो जिनमें 4 जाते हैं सैयद शेख मुगल और पठान, तो उनमें वो अपने आप को बेसिकली डिफाइन इसी तरह करते थे कि हम उन लोगों की औलाद हैं जो यहाँ के नहीं हैं, नॉन लोकल हैं, बाहर से आए थे और बाहर से हम कंकरर्स के तौर पर आए थे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जो जिस वजह से ये सारी म्यूटिनी वगैरह हुई थी उसकी वजह ये थी कि जो यहाँ के जो लोकल आर्टिजन्स थे उनका कारोबार इस कॉलोनियल इकोनॉमिक ऑनस्लॉट की वजह से तबाह हो गया था। तो उनमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले जो थे वो जाहिर है कि वो लोग थे जो बुनाई करते थे, कपड़े बुनते थे। तो उनका कहना था कि जुलाहों का जो था तार बिल्कुल ही टूट गया था और ये वो बच्चा थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस हंगामे में गर्म जोशी से हिस्सा लिया। तो ये बहरहाली उनकी जो भी एनालिसिस थी, लेकिन एक जो उसमें दिलचस्प बात सामने आती है वो ये कि जब वो मुसलमान को डिफाइन करते हैं तो उसको सिर्फ मुसलमान कहते हैं, यानी उन 4 जातों को जो ऊंची जाते हैं जो शुरफा कहलाते हैं।
जब चुनाव का जिक्र आता है तो हालांकि वो भी मुसलमान ही कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उनका जिक्र मुसलमान के तौर पर नहीं होता। तो ये एक तकसीम शुरू से है जिसमें उनको कोई ताज्जुब भी नहीं होता था, और जो शरीफा थे वो जैसे ये प्रोफेसर इम्तियाज अहमद की किताब में कहीं ऐसी मिसालें मिलती हैं कि आप किसी गांव में जाएं और पूछेंगे यहाँ मुसलमानों के कितने घर हैं, तो इनके बताते हैं कि कोई 15 घर हैं। तो फिर आप कहते हैं कि ये जो पूरी बस्ती है, ये जो यहाँ लोग रहते हैं, ये भी कोई नमाज वमाज पढ़ते हैं? कहते हैं हाँ ये भी हैं, ये जुलाए हैं। तो ये एक बेसिक जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की है पॉलिटिक्स उस वक्त, क्योंकि वो दोनों जो थे शुरफा और गैर शुरफा, वो दोनों इस तकसीम को एक्सेप्ट करते थे। तो उसमें बात ये थी कि हर एक को अपनी जगह मालूम थी कि हम रैयत हैं तो हमारी जगह वही है। तो प्रॉब्लम उस वक्त शुरू हुई है जब कुछ चेंज आए, कुछ उनकी हालत बदली है, कुछ थोड़ी सी एम्पावरमेंट हुई है, जिसको उन्होंने कहा एक सामने की खुद भी नहीं मैं आ गई हूँ, अपने आप को देखने लगे हैं, और कुछ उसमें यानी अपने आप को दूसरों के बराबर समझने लगे, जो एक बिल्कुल ब्लास्फेमी की बात थी। तो ये जो सारी चीज़ प्ले आउट हुई है, ये उस वक्त से हुई है जब प्रिंटिंग प्रेस दाखिल हुआ है, which is in the later part of the 19th century। तो उस वो पूरा ज़माना जो है वो बड़ी तब्दीलियों का ज़माना है, क्योंकि उससे पहले का जो कॉलोनियल दौर है यानी 1857 से पहले का, वो एक उस वक्त इंग्लैंड में इंडस्ट्री बन रही थी और उसके लिए उनको हार्ड कैश की ज़रूरत थी। तो उस वक्त अंग्रेज़ों की पॉलिसी ये थी कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगान हासिल करके और जो नेट ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ है वो हिंदुस्तान से और इंग्लैंड की तरफ किया जाए। तो 1860s के करीब उनको उस रॉ मटेरियल की कमी महसूस हुई अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से, तो उन्होंने पॉलिसी अपनी तब्दील की और उन्होंने ये स्कीम बनाई कि ये जो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स हैं इनको कॉटन की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो उसके लिए बहुत बड़ा जो कहा जाता है कि दुनिया के बड़े जो कनाल सिस्टम में से हैं, तो कनाल नेटवर्क बनाया गया जो बेसिकली वेस्टर्न पंजाब में उसका ज़्यादा हिस्सा था। तो वहाँ कॉटन और वीट और राइस की काश्त शुरू हुई, उसको वहाँ इंग्लैंड की जो इंडस्ट्री थी उस तक पहुँचाने के लिए पोर्ट्स डेवलप की गई, कराची का पोर्ट उसी तरह से डेवलप किया गया। उसके बाद कराची को दिल्ली तक रेलवे लाइन से जोड़ा गया ताकि वो सारी जो चीज़ें वो पोर्ट तक पहुँच सके और फिर वहाँ से जा सके। उसमें सारा कम्युनिकेशन का नेटवर्क बनाया गया, पूरा डाक का निज़ाम और टेलीग्राफ और इस तरह की सारी चीज़ें जो इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करती थी। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, उनको मैन करने के लिए उनको लोगों की ज़रूरत थी। तो लोग कहाँ से आते थे? लोग ज़ाहिर है उस वक्त लोगों के अपने जो दांत के पेशे थे उन्हीं में वो इन्वॉल्व रहते थे। वहाँ पेशों की एक तब्दीली आती है, तो उन पेशों की तब्दीली के बाद उनको जिस काम के लिए जिस एजुकेशन की ज़रूरत थी वो दी जाती थी। लेकिन अगर आपको टेलीग्राफ ऑपरेटर बनना है तो आपको वो चीज़ सिखाई जाएगी जब भी आप उसको चला सकेंगे, इंजन ड्राइवर बनना है या आपको डाकिया बनना है, पोस्ट मास्टर बनना है, तो वो सारी जो एक एजुकेशन का पूरा सिस्टम उनको बनाना पड़ा। इस तरह का पब्लिक एजुकेशन का सिस्टम यहाँ कभी नहीं था,
और नॉलेज प्रोडक्शन और जो उसकी डिसेमिनेशन थी उसका एक खास ट्रेडिशनल तरीका होता था और वो कुछ लोगों तक महदूद रहता था. हर एक को पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी ना उसके सारे कामों में आता था. तो ये शख्सियत का एक बहुत एक नायाब किस्म का एक बुकलेट है जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ का जो हिंदुस्तान का रूरल सिस्टम है वो कैसे काम करता है. उन्होंने तो ये बताया कि हर गांव जो है वो एक सेल्फ कंटेंट एंटिटी होता है. उस गांव की जितनी ज़मीन होती है वो उस वो उन सबको सपोर्ट करती है और सस्टेन करती है और गांव में रहने वाले लोग जो है वो उस ज़मीन के लिए काम करते हैं और उनका आमतौर पर दूसरे गांव से या दूसरे इलाकों से कोई रब्ता करने की ज़रूरत नहीं होती. तो इस तरह का एक इनवर्ड लुकिंग सिस्टम था जो और उसमें कैश का जो मामला था वो सिर्फ ज़मींदार होता था जिसके पास कैश होता था या जो बनिया होता था गांव का या सुनार होता था. बाकी सारे लोग पार्टनर सिस्टम पे काम करते थे. उनको बटाई में और उनके जो भी सर्विसेज होती थी उनके बदले में दाने मिलते थे. तो अभी मतलब हमारे यहाँ के पंजाब में अब भी ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो जाती है जिनकी जिन्होंने बचपन में देखा है कि उनके घर में एक अनाज की कोठरी होती थी और वो एक प्याले में अनाज ले जाके और गांव की दुकान से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लेते थे साबुन और तेल और जो भी कुछ. तो ये एक सिस्टम था जो अभी मतलब हमारे यहाँ जो सिंध में जो थर का डेजर्ट है उसमें ये सिस्टम कोई मेरे ख्याल 80s में कहीं टूटा है. तो ये उसकी वजह से उनकी जो मोबिलिटी थी वो बिल्कुल लिमिटेड थी. नॉलेज का काम जो था वो गांव का मौलवी होता था जो शहर के किसी मदरसे में जाता था और वहाँ से कुछ चीज़ें सीख के आता था. तो वो मौलवी ज़्यादातर इलिटरेट होते थे यानी वो पढ़ नहीं सकते थे. उनको कुछ चीज़ें सिखा दी जाती हैं निकाह पढ़ाना और जनाजा पढ़ाना और इस तरह की चीज़ें और कुछ चीज़ों को जो जमींदार जो कुछ करता है उसको मतलब जायज साबित करने के लिए इस्लाम में से कुछ दलीलें लाना और अगर कोई जमींदार के खिलाफ कोई रिबेलियन करने की कोई कोशिश करता है तो उसका निकाह तोड़वाना ये सारे काम उसके होते थे. और वो भी उसी तरह से ज़मींदार का मुलाजिम होता था जैसे बाकी सारे लोग और वो खानदानी मुलाजिम होता था. तो ये अब उन्होंने जो सर सैयद ने जो चीज़ बताई है उसमें वो कहते हैं कि ये पहला तो वो ग्रोह है जो ज़मीन का मालिक है और वो अपने बाकी सारे जो गांव में रहने वाले हैं उनसे अपने आप को ऊपर समझता है और अपने जो राइट्स हैं उनको सबसे ऊपर रखता है. तो ये जो ज़मींदार हैं वो आमतौर पर वो लोग होते हैं जिन्होंने ज़मीन पे कभी कब्ज़ा किया था तलवार के ज़रिए कब्ज़ा किया था या किसी बादशाह से उनको ज़मीन हासिल हुई थी उनके औलादे हैं और वो ज़मीन उनके पास होती है. बाकी लोग जो है अब उनमें एक शख्स जो है वो गांव का चीफ होता है और वही पंचायत का भी चीफ होता है. तो उसमें मतलब हमारे ऐसा है कि जैसे जो जिसको हम पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे पठानों का जो सूबा था उसको पख्तूनख्वा कहते हैं वहाँ उसके लिए एक अलग टर्मिनोलॉजी है. वहाँ जो जो शख्स जिसके पास ज़मीन है थोड़ी या ज़्यादा ज़मीन है उसको पख्तून कहा जाता है पख्तून यानी पठान. लेकिन जिसके पास ज़मीन नहीं है उसके लिए दूसरी टर्म है उसको फ़कीर कहते हैं. अगर कोई झगड़ों में भी कोई खानदानी झगड़ों में आपकी ज़मीन आपके हाथ से निकल जाए भाई कब्जा कर लें कोई और कर लें तो आप फकीर के जाते हैं. जो उनका
पंचायत है जिसको जगह कहते हैं उसमें वही आता है जो जिसके पास जमीन हो और उस जिसके पास ज्यादा जमीन होती है उसका असर ज्यादा होता है जैसे यूनाइटेड नेशंस में भी जो जिसका जो महल्ले में ताकतवर होता है वो महिला कमेटी में भी ताकतवर होता है इस तरह वो पंचायत में बेसिक जो चीज है वो जमीन की मिल्कियत है जो हमारे ट्रेडिशनल फ्यूडल सिस्टम है तो अब उसके अलावा जो बाकी लोग जो उस जमीन पे काम करते हैं या उनको कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो शूद्र हैं जो हाथ से काम करता है तो वो उसको कहा जाता है रैयत तो रैयत का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है सचिव से और उन्होंने कहा कि उसकी चार कैटेगरीज हैं तो एक तो काश्तकार हैं जो जमीन पे काम करते हैं दूसरे आर्टिजन हैं लोहार है या बड़ी है या दूसरे तीसरे लेबरर्स हैं और चौथी उन्होंने बड़ी मजेदार एक कैटेगरी बनाई है जिसका नाम है खुशबाश अब वो खुशबाश को उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि वो कौन लोग होते हैं लेकिन लगता है वो विरासी और कंजर और तवायफे और दोम और वो सारे लोग उसमें शामिल होते होंगे तो ये सारे लोग जो हैं जो जिनका बेसिक काम ये है कि वो जमींदार की खिदमत करें तो उनको खिदमती कौमें भी कहा जाता है बाद में तो ये रैयत को इस तरह से कहते हैं तो पंचायत का उसमें उन्होंने बताया कि इंसाफ कैसे होता है कि जब दो पार्टीज हैं वो अगर बराबर के हों तो आमतौर पर इंसाफ होता है तो वो फैसले जो है वो ठीक होते हैं और सब कुछ लेकिन अगर उनमें फर्क है एक कमजोर है और एक सोशली ज्यादा ताकतवर है तो फिर वो कमजोर के खिलाफ फैसला होगा तो दिस इज द सिस्टम तो ये अब उसमें जैसे यहाँ मसूद अलम फलाही की किताब को मैंने रेफर किया है जो हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान ये इन्होंने उर्दू में लिखी है और अब शायद इसका हिंदी एडिशन भी आने वाला है और अंग्रेजी में भी आने वाली है तो उसमें उन्होंने बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है उसको अशराफ है इनमें चार पढ़ी जाते हैं सैयद मुगल शेख और पठान फिर अजलाफ हैं जो मिडिल कास्ट हैं जो आर्टिजन हैं जो किसान और जुलाहे और कसाई और सुनार और ये सारे लोग और बाकी अफजाल हैं जो लोअर कास्ट हैं तो वो कुम्हार लोहार बड़ी धोबी नाई मोची विरासी कंजर ये सारे जो है वो अफजाल में शुमार किए गए तो इसकी कोई यानी लोकल एक्चुअली सारी जो यहीं की ये बाइफर्केशन है जिसको ये यानी अरबी नाम दे दिए गए हैं ताकि उसमें इस्लामी जो कल्चर है यहाँ का उसमें इसको समोया जा सके तो अब होता ये है कि जब वो जो जिस जमाने का मैंने जिक्र किया कि जब वो चेंज शुरू होती है तो वो चेंज किस तरह शुरू होती है जब एक सड़क बनानी है तो सड़क बनाने के लिए मैन पावर अंग्रेज को कहाँ से मिली सबसे पहले वो एक एंटिटी वजूद में आती है जिसको कहते हैं ठेकेदार तो ठेकेदार आमतौर पर अर्बन बेस्ड कोई आदमी होता है कोई पारसी या कोई और जो जिसने एक अर्बन एक पावर हासिल की हुई है तो वो आता है और वो जमींदार से कहता है कि वो उसके लिए मैन पावर दे जमींदार के पास लोग हैं जिनको बेकार करनी होती है यानी उनको उनके काम के पैसे नहीं मिलते उनको सिर्फ उनके पेशे में होने के लिए दाने मिलते हैं बाकी जितना भी काम उनसे लिया जाए तो वो बेकार के लिए 50 आदमी उस ठेकेदार को दे देता है और जाहिर है वो लोग बेकार टालते हैं जैसे कहा जाता है कि बेकार टालना तो ये जो ठेकेदार है वो चाहता है कि काम जो तेजी से हो और अच्छी तरह हो तो वो कैश को इंट्रोड्यूस करता है कि उसको काम करने के बदले कुछ मतलब 2 रुपए मिलेंगे वो पहला इंस्टेंट है जब उस कैटेगरी के लोग जो है पहली दफा कैश को टच करते हैं
से उनका पेशा बदलता है वहां से उनकी जो पूरी जो जिंदगी का धर्मा है वो बदलना शुरू करता है ये चेंज इस चेंज के बाद फिर वो एक्सेस करते हैं दूसरे नए पेशों को जो उस वक्त वजूद में आए हैं अब उसमें एक यानी उनको एक एज हासिल है क्योंकि वो उनको हाथ से काम करने में जाहिर कोई शर्म नहीं है जबकि दूसरे लोग जो जमींदार हैं या उनके गिर्द रहने वाले मसाहिब हैं मौलवी हैं और दूसरे हैं उनके लिए उनका जो कास्ट स्टेटस है वो इसी बात से डिफाइन होता है कि वो अपना जो रोजी कमाने के लिए हाथ से काम नहीं करते इसलिए वो लोग उसमें पीछे रह जाते हैं तो इस चेंज में जो सबसे ज़्यादा फायदा उठाया वो मिडिल कास्ट ने उठाया इसलिए जो अगर नॉर्थ इंडिया के की सोसाइटी में मुस्लिम सोसाइटी में जो लोग थे जुलाहे और कसाई इन लोगों ने वो ठेके हासिल करके और मुख्तलिफ किस्म के काम करके अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को बेहतर किया तो ये बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी 1900, 1910 और 20 उस वक्त तक ये बिरादरियाँ नॉर्थ इंडिया में इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि इनसे उनको कुछ खतरा महसूस हो गया तो उर्दू का और जो पूरा जो एक्सप्रेशन है वो इस चेंज के खिलाफ क्योंकि वो एक्सप्रेशन एक्चुअली शुरफा का एक्सप्रेशन है तो उनको इस पूरी चेंज से एक खतरा महसूस होता है और ये आप अक्सर सुनेंगे कि ये जो नीचे के लोग हैं ये ऊपर आ गए हैं और जो शरीफ लोग थे उनकी हालत खराब हो गई है उनकी सब तो जो भी चेंज है वो एक्चुअली नेगेटिव है तो ये उर्दू के लिटरेचर का एक खास स्टैंड है अबाउट दिस चेंज तो उसमें वो जो उसकी फॉरेन कल्चर आ जाता है या और कुछ दूसरी चीज़ें आ जाती हैं उसको बुरा समझते हैं वो इकबाल का है जैसे शेर है कि उठा कर फेंक दो बाहर गली में नई तहजीब के अंडे हैं गंदे तो उसमें फिर वो बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं कि हमारी जो इसको आप लोग परंपरा कहते हैं वो ख़त्म हो रही है और ये सब तो अब उसमें एक और चीज़ ये होती है जैसे ट्रेन आती है तो ट्रेन में फिर वो जो फर्क है जात पात का वो ख़त्म होने लगता है तो एक ऐसी चीज़ है जो किसी तरह से इक्वलाइज कर देती है तो ट्रेन की बड़ी मुखालफत होती है तो उससे पहले तो ये होता था कि जो शख्स माउंट हो सकता है जो घोड़े पे बैठ सकता है वो वही है जो अपर कास्ट का आदमी है और जमीन का मालिक है बाकी लोग जो है उनको सवारी पे चढ़ने की इजाज़त नहीं होती थी उनमें से अक्सर लोगों को जूता पहनने की भी इजाज़त नहीं होती थी तो ट्रेन में तो फिर आप बेशक फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास और थर्ड क्लास बना दें लेकिन वो किसी ना किसी तरह से इक्वलाइज कर देती है तो ट्रेन अच्छी चीज़ नहीं समझ जाती इसी तरह पानी पानी की एक्सेस जो है वो जमींदारों के लिए वो जो हमारे बिश्ती होते थे वो पानी भर के लाते थे उनकी औरतें लेके आती थी तो उनकी जो पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन थी वो बहुत ज़्यादा थी और बाकी लोग जो थे उनके पास वो सारे रिसोर्सेज नहीं थे तो ये कुएं तक रसाई नहीं थी दूसरे जो उनका कुआं था भी वो उनके पास जो वक्त था वो ज़मींदार की खिदमत में खर्च हो जाता था तो पानी उनको ज़्यादा नहीं मिलता था तो इसलिए उनको फिर ये भी कहा जाता था कि आप लोग गंदे हो गए तो अब वो जब पानी पाइप के ज़रिए आना शुरू हुआ तो उसमें एक किस्म की पॉसिबिलिटी थी कि वो चाहे हर एक तक पहुंच जाएगा तो उसकी भी बड़ी मुखालफत थी ये तो अच्छी बात नहीं तो अकबर इलाहाबादी ने कहा कि पानी पीना पड़ा है पाइप का हर्फ पढ़ना पड़ा है टाइप का पेट चलता है आँख आई शाह एडवर्ड की तो है इसमें मतलब प्रिंटेड वर्ड के बारे में भी और जो इस तरह की जो पाइप वाटर सप्लाई के बारे में भी एक नेगेटिव एटीट्यूड है
अच्छा उसके अलावा भी है कि अकबर इलाहाबादी एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है स्टडी करने के लिए क्योंकि उनके यहाँ ये जो पूरी चेंज है उसकी बड़ी सीधी एक अपोजिशन मिलती है तो उसमें जैसे ये कहा जाता है कि वो क्योंकि एजुकेशन ऑफ ऑल लेवल्स वॉज द की टू प्रोग्रेस हर एक को ये पता होता था कि अगर वो कुछ ना कुछ काम सीख लेगा इंडियन ड्राइवरी सीख लेगा या कुछ पढ़ना लिखना सीख लेगा तो उसकी इकोनॉमिक पोजीशन बेहतर हो जाएगी तो सब लोग इस चक्कर में रहते थे कि किसी न किसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ा दें अब भी है उसमें औरतों की भी एजुकेशन का मामला होता था ये आमतौर पर कहा जाता है कि अकबर इलाहाबादी ने औरतों की एजुकेशन की बड़ी मुखालफत की और पर्दे की बड़ी हिमायत की लेकिन वो उसको क्योंकि कास्ट एंगल से देखा नहीं जाता तो इसलिए वो उसमें बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि पर्दा जो है वो यानी रिकमेंड करते हैं वो सिर्फ अपर कास्ट के लिए तो उनका एक बड़ा मशहूर एक कथा है कि बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गए पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गए तो अब उसमें कई चीजें हैं जिनको आज जो उर्दू के पढ़ने वाले वो कंफ्यूज करते हैं मतलब गैरत कौमी जो है कौमी गैरत उसमें आप किसी से आप पूछेंगे ये कौमी गैरत का क्या मतलब है तो उन्होंने कहा वो ये कहेंगे कि इस्लामी गैरत है जबकि कौम कभी भी इस्लाम या मुसलमान के लिए नहीं कहा जाता था कौम हमेशा जो एक जात होती थी उसके लिए कहा जाता था बीबी का लफ्ज जो है वो सारी औरतों के लिए इस्तेमाल नहीं होता था वो सिर्फ अपर कास्ट औरतों के लिए इस्तेमाल होता था तो उनको तो ये बिल्कुल बेपर्दा नहीं देखना चाहते उनको वो चाहते हैं कि वो घर के अंदर है और ताकि इनको कुछ ज़्यादा गैरत वगैरह का सामना ना करना पड़े तो दूसरी एक कैटेगरी है औरतों की जो मतलब जाहिर है बहुत सारी औरतें जो आपके लिए काम करती हैं जो पानी भर के लाती हैं मतलब वो अगर पर्दा करने लगेंगी तो आपके घर में पानी कैसे आएगा तो उस पर उन्होंने एक शेर कहा था जिस जो बेस करता था एक पूर्वी लोकगीत पर वो ये था कि हे मेल पनिया को जाए नहीं न दिया ये वहाँ पूर्वी यूपी में ये फोक गीत था तो हे मेल पनिया को जाए नहीं न दिया अब चाहे इल्ला वगैरह जो है वो पहले वो जो शुरफा की तफरी का भी एक जरिया था उन औरतों को यंग औरतों को पानी भरते हुए लाते हुए देखना उनका हिलना जुलना सब मजेदार चीज थी तो पर्दा तो उसको खत्म कर देता तो पर्दे पर उन्होंने जोर नहीं दिया उन्होंने कहा कि अब ना हिलमिल है ना पनिया का वो मामूल है एक ननदिया थी सुबह अब दाखिले स्कूल है तो मतलब ये कि अब वो जो पानी भर के लाती थी वो तो स्कूल चली गई उसके स्कूल जाने पर उनको ये एतराज नहीं है कि वो पर्दे से निकल गई क्योंकि पर्दे में वो पहले भी नहीं थी अब मसला ये कि उसको जो जाहिर सैयद लोग थे काम वाम तो कुछ करना नहीं होता था तो वो उनको आते जाते देखा करते थे तो वो तफरी खत्म हो गई तो ये दूसरी कैटेगरी है जो उन लोगों की जो उनके लिए खिदमत का काम करते हैं तीसरी कैटेगरी जो है वो प्रोस्टिट्यूट्स की जिनके बारे में बिल्कुल तय है कि वो एक सेक्सुअल सर्विस वो प्रोवाइड करेंगे जो उनसे ऊपर की कास्ट है उनको तो उसका कोई उनका कोई शेयर नहीं है उसके बारे में लेकिन ये कि एक तवायफ को उन्होंने अपने घर में डाल लिया था तो ये उन्होंने करके दिखाया तो तीन कैटेगरीज बाकी बच्चों का तो वो बाकी जनरली वो एजुकेशन के खिलाफ थे मतलब यानी एजुकेशन उनका कहना ये था कि वो जो फिरौन और मूसा का है कि
कि वो उनको जो बिब्लिकल जो स्टोरी है कि फिरौन को ये बताया गया था कि ये मूसा नाम का एक शख्स है जो पैदा हो गया है लड़का, वो बड़ा होकर तुम्हारी सल्तनत का खात्मा करेगा। उसने लड़कों को, उस एज के लड़कों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। तो उस पर वो कहते हैं कि यूं कत्ल पे लड़कों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सोची। तो ये सारा, लेकिन उनको इस सारी चीज ने अपने बेटे को कॉलेज भेजने से नहीं रोका, क्योंकि बेटे कॉलेज में पढ़े, लंदन तक पढ़ के आए, वो सब ठीक है, लेकिन ये कि तालीम असल में आम नहीं होनी चाहिए। जो एजुकेशन है वो जिन लोगों के लिए बनी है उन तक रहनी चाहिए। ये मतलब एक कोई यानी नॉन सीरियस बात नहीं है, बड़ी उसको सीरियसली परसू किया जाता। तो उसमें मसलन एक मिसाल उसकी मिलती है ये कि जब तक ये मुफ्ती मोहम्मद शफी थे सहारनपुर के देवबंद के बड़े आलिम, ये उस वक्त की बात है जी 1920s और 30s के दरमियान को, जब मैंने बताया कि उन दिनों में ये जो जुलाहे और कसाई बिरादरी जो थी जबने आपको अंसारी और कुरैशी कहने लगे थी। तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसका जो एपिलॉग था वो वहाँ की जो शेख बिरादरी के अध्यक्ष थे अहमद इकबाली, उन्होंने लिखा। तो उनका कहना ये है कि जब तक इल्म अपर कास्ट में रहा उस वक्त तक कोई हिम्मत नहीं आई, कोई मुसीबत नहीं आई, सब कुछ ठीक ठाक रहा। मगर जब से कसाई, नाई, तेली, लोहार, बिसाखी, कलाल और जुलाहे वगैरह, मौलवी, मुदर्रिस, कारी, सूफी और हाफिज वगैरह होने लगे, मुसीबतों का दौरा शुरू हो गया। क्योंकि ये लोग बिल्कुल अकल से कोरे होते हैं। इससे पहले ये सारे अकवाम, ये सारी जो कौमें थी, ये शेखों की और अपर कास्ट की से अपने आप को कम समझना और उनकी पीछे चलना जो था उनका जिंदगी का तरीका था, तो इसलिए वो राहत से जिंदगी बसर कर रहे थे। जब से इनमें एक खुदबीनी आई है, खुदबीनी कह लो कि अपने आप को देखना, तो अपने आप को देखने का जब से एक कॉन्शियसनेस पैदा हुई है तब से मुसीबतें शुरू हो गई। तो उनका कहना ये कि जब से ये कसाई और तेली और लोहार और कलाल लोग जो हैं ये इल्म हासिल करने लगे हैं तो ये एक्चुअली इल्म की नाकदरी है। उसके बाद से हैजा फैलने लगा है और फ्लेट हो जाता है और चलचले आते हैं और ये सब कुछ होता है, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। ये एक बिल्कुल यानी एक्सेप्टेड चीज समझी जाती थी कि इल्म जो नॉलेज है वो सिर्फ उन लोगों तक रहना चाहिए जिन तक वो ट्रेडिशनली रहा है। तो ये जो सारे ज़माने की चेंज है उसकी वजह से ये इल्म दूसरे लोगों तक जाने लगा। जब नॉलेज किसी के पास पहुंचती है तो फिर वो जाहिर है उसको इंटरप्रेट करता है, उसको अपनी ज़िंदगी पे लगा के देखता है, तो वो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करना शुरू करता है। तो उसमें उन्होंने ख़ासतौर पर ये भी कहा कि ये जो रजीन लोग हैं, जो अज़ाल हैं, जो मतलब एक डेरोगेटरी लफ्ज है कि इन लोगों से आप किसी किस्म की कर लेन देन ना किया करें। एक तो नॉलेज का लेन देन ना किया करें और दूसरा जो चीज़ों का खरीद फरोख का लेन देन से ना किया करें, क्योंकि जितना इनके साथ आप मिले जुलेंगे तो इनकी रजालत का असर आप पे जरूर होगा। तो ये जो कयामत की निशानियों में से है कि जो शरीफ कौमें हैं वो नीचे चली जाएंगी और जो पस्त कौमें हैं वो ऊपर आ जाएंगी।
ये आप लोग तो खैर इसको सुन के हंस रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल सीरियसली तो ये और उन तक ये महदूद नहीं था ये जो शख्सियत के बारे में जैसे पाकिस्तान में टेक्स्ट बुक का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि शख्सियत ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की तालीम की शुरुआत की तो उसमें मतलब मैंने वहाँ